हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द जावास्क्रिप्ट इन हिंदी। तो आज हम बात करेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो क्या होता है ये गेट एलिमेंट बाय आईडी? जो मेथड है उससे हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव करेंगे एलिमेंट फ्रॉम द डोम, ठीक है, बाय इट्स यूनिक आईडी। तो हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे कि वो एलिमेंट डोम की जो भी वैल्यू है हम वो गेट कर लेंगे, ठीक है। तो सपोज मान लो आपके एक यूनिक आईडी है, डिव की ले लो या फिर इनपुट की ले लो, तो उसकी वैल्यू कैसे गेट करनी है, वो क्या काम करेगा गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड से, वो हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट आईडी इज द आईडी ऑफ द एलिमेंट यू वांट टू रिट्रीव एंड द मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्चेस द इंटायर डॉक्यूमेंट फॉर एन एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड आईडी एंड रिटर्न्स इट एन ऑब्जेक्ट। इफ नो एलिमेंट विद एन गिवन आईडी एग्जिस्ट, इट रिटर्न्स नल। कहने का मतलब है कि जब भी गेट एलिमेंट बाय आईडी सर्च करता है इंटायर डॉक्यूमेंट में कि वो एग्जिस्ट करता है विद स्पेसिफिक आईडी के साथ कि नहीं, अगर करता है तो वो आपको रिटर्न कर देगा एक ऑब्जेक्ट, नहीं तो आपको नल रिटर्न करेगा। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हो, वो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ठीक है, ये गए हम यहाँ पे स्क्रिप्ट है। अब मैं इसको लोड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज मान लो कि यहाँ अब ये हमारे पास माय हेडिंग है, ठीक है। अब माय हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और आईडी माय बटन है क्लिक मी, ठीक है। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय माय आईडी, ये मेरे पास आईडी है इसकी हेडिंग की, तो मैंने इस एलिमेंट को क्या कर लिया, एसेस कर लिया और इसको चेंज कर दिया हेलो वर्ल्ड से अपडेटेड हेडिंग में। आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेटेड हेडिंग आई है, पहले ये नहीं आया। हेडिंग डॉट इनर एच टी एम एल से क्या हो सकता है, हमने जो इसका इनर एच टी एम एल है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया और उसका स्टाइल कलर भी मैंने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले उस एलिमेंट को मैंने असेस किया, ठीक है, रिट्रीव किया, देन मैंने उसकी जो हमारी इनर प्रॉपर्टीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो जब भी ऐसा मतलब कि आए तो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमेशा क्या करता है, रिट्रीव करता है उस एलिमेंट को, और उस एलिमेंट पे काम क्या करवाना है आपने, चाहे उसका टेक्स्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, इनर एचटीएमएल चेंज कर देना, कुछ जो भी करना है वो किसकी मदद से हो जाएगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी से उस एलिमेंट को रिट्रीव करो, फिर उसको मॉडिफाई द कॉन्टेंट एंड द स्टाइल ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अगर आपको अटैच करना है इवेंट लिसनर बटन के साथ भी, मेरे पास बटन भी है ना, तो बस बटन की एलिमेंट बाय आईडी मैंने गेट की और उसके अंदर क्या करते हैं, एक ऐड इवेंट लिसनर कर दिया क्लिक नाम का, ठीक है, कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आएगा बटन क्लिक, ठीक है। तो इवेंट लिसनर भी हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आई थिंक आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी पता चल गया होगा कि जब भी आपको कोई एलिमेंट असेस करना है, रिट्रीव करना है और उस पर मैनिपुलेशन करनी है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी। और याद रखना कि गेट हमेशा आईडी यूनिक होनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट वाला उठा लेगा वो, ठीक है। तो बेटर है यूनिक एलिमेंट अगर आईडी है आपके पास, अगर आपको मैनिपुलेशन करवानी है, टेक्स्ट चेंज करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो आपको क्या यूज करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।